मित्रों, वास्तुशास्त्र में झाड़ू को माँ लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। कहा जाता है कि जिस घर में झाड़ू का सम्मान होता है उसमें कभी धन का अभाव नहीं रहता। आइए जानते हैं नए साल 2023 में कौन कौन से ऐसे उपाय हैं जिन्हें अपनाकर हम माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पूरे साल खुद पर बनाए रखें। मित्रों, झाड़ू एक बहुत उपयोगी वस्तु है। इसका इस्तेमाल हम घर की सफाई के लिए करते हैं। अक्सर घरों में सफाई करने के बाद झाड़ू को कहीं भी इधर उधर घर के बेकार से कोने में पटक देते हैं, लेकिन वास्तु की दृष्टि से ऐसा करना दोषपूर्ण माना जाता है। वास्तुशास्त्र में झाड़ू बेहद ही खास चीज है, बल्कि वास्तुशास्त्र में इसे माँ लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। झाड़ू लगाने के बाद यदि इसे नियम पूर्वक रखें तो घर में धन दौलत का भंडार कभी खाली नहीं होगा। घर में सदैव लक्ष्मी का वास होगा। घर से दरिद्रता दूर भाग जाएगी। माँ यता है कि माँ लक्ष्मी की कृपा से घर में रुपयों पैसों की बरसात होगी। आइए जाने घर में झाड़ू कैसे रखें। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं दैविक माया चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार अवश्य लिखें जय माँ लक्ष्मी। झाड़ू पुरानी होते ही बदलें। घर में झाड़ू अगर पुरानी हो चुकी है या टूट चुकी है तो उसे तुरंत ही बदल देना चाहिए, क्योंकि टूटी हुई या पुरानी झाड़ू लगाने से घर में दरिद्रता का वास होता है और इससे तमाम तरह की परेशानियां जीवन में आने लगती हैं। झाड़ू को न लगाएं पैर। चूंकि झाड़ू को देवी माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, लिहाजा झाड़ू का सदैव ही सम्मान करना चाहिए। झाड़ू को भूलकर भी पैर न लगाएं, क्योंकि इसे अप्रत्यक्ष रूप से माँ लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। सूर्यास्त के बाद न लगाएं झाड़ू। संभव हो तो शाम के वक्त झाड़ू लगाने से बचना चाहिए। कहते हैं कि सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाने से माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं, लेकिन अगर किसी वजह से शाम को झाड़ू लगानी भी पड़े तो उस वक्त कूड़े या घर से निकली मिट्टी को घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है। झाड़ू से संबंधित अन्य सावधानी। वास्तुशास्त्र के अनुसार झाड़ू को कभी भी ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में भूल कर भी न रखें। इस दिशा में झाड़ू रखने से घर में धन का आगमन बंद हो जाता है। झाड़ू को सदैव दक्षिण या दक्षिण दिशा में रखना उत्तम होता है, इसलिए झाड़ू को दक्षिण या दक्षिण पश्चिम दिशा में ही रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार झाड़ू को हमेशा दूसरों की नजरों से छिपाकर रखना चाहिए। बेडरूम में झाड़ू भूलकर भी न रखें। किचन में भी झाड़ू रखने से बचना चाहिए, इससे धन धान्य में कमी आती है। घर में मेहमानों की नज़र से झाड़ू को बचाना चाहिए। परिवार के किसी सदस्य के घर से बाहर जाने पर झाड़ू लगाना अशुभ होता है। झाड़ू को हमेशा लिटाकर रखना चाहिए। झाड़ू को किसी के सहारे खड़ा नहीं करना चाहिए। मित्रों, अब आप जान गए हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आप झाड़ू से जुड़ी कौन सी सावधानियाँ रखकर साल 2023 को अपने लिए लाभदायक। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।